नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराग शर्मा। खबर आ रही है राजस्थान के भरतपुर जिले से। कामा कस्बे में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूरतमंद विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से मदद करने वाली जयपुर की यूवी फाउंडेशन संस्था ने दो निजी स्कूलों में मुरली मनोहर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल और सैनी आदर्श माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को 35 जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क स्वेटर, जूते और जुराबे वितरित किए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए यूवी फाउंडेशन के सेक्रेटरी निर्मल कुमार ने बताया कि इस संस्था को 2 साल पहले जरूरतमंद विद्यार्थियों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूवी संस्था लगातार आपसी सहयोग के आधार पर कार्य कर रही है। संस्था सर्दियों की शुरुआत में विद्यार्थियों को गर्म कपड़े, जूते और जुराबे देती है। पिछले साल संस्था ने यह कार्यक्रम लाल सोट में आयोजित किया था। इसी क्रम में इस वर्ष पौराणिक महत्व की नगरी कामवन का चयन किया गया। यूवी संस्था ने सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छिचरवारी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विलंग के 44 विद्यार्थियों को भी निःशुल्क सामग्री वितरित की थी। कार्यक्रम में शामिल कस्बे के वरिष्ठ समाजसेवी वैद्य रूप वसंत सैनी ने यूवी फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए मानव सेवा का भाव रखने वाले व्यक्तियों से इस संस्था से जुड़ने का आग्रह किया है। इस अवसर पर सैनी आदर्श माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापक शिवराम सैनी और समस्त स्टाफ के साथ मुरली मनोहर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश धंतूरिया और समस्त स्टाफ, समाजसेवी रूप वसंत वैद्य तथा सचिव निर्मल कुमार, रामलाल सैनी, ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ कामा के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार के अलावा विद्यालयों के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। इंडिया खबर लाइव के लिए कामा से आमिर खान की रिपोर्ट। आज हम कामा सैनी विद्यालय स्कूल में जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनके लिए एक सहायता सबके जो सहयोग से दी जा रही है वो उपलब्ध कराने आए हुए हैं यहाँ पे। तो मैं सभी जो साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने भी अपने वेतन से कुछ मुद्राएं निकाल के हमें इस संदर्भ में पैसा दिया। भरतपुर ज़िले में ज़रूरतमंद बच्चों के लिए आपने जो वितरण किया है इसमें कितने बच्चों को वितरण कर चुके हैं आज तक? अभी टोटल 10 थे, 43 थे।